नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद में मिलावटी तेल के रूप में मौत बांट रहे मिलावट खोरों पर जिला प्रशासन की मौजूदगी में छापामार कार्रवाई की गई, जहां 3 गोदामों पर छापामार कार्रवाई करते हुए गोदामों को सील कर दिया गया। भरे हुए सैंपल इसमें लिए गए। देर रात तक चलती रही कार्रवाई। आपको बता दें कि छतरपुर शहर में मिलावटी तेल के नाम पर लोगों को मौत बेच रहे मिलावटखोरों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सब पे कार्रवाई हुई, सैंपलिंग भी ली जाएगी, इनकी सबकी सैंपलिंग भी ली जाएगी और इन पे फूड एडल्ट्रेशन में और अन आईपीसी की धाराओं में भी। सर देखा गया आज फूड विभाग अधिकांश देखा जाए कि करीब लंबे समय से फूड विभाग से खाना पूर्ति करता रहा। अभी मेन उद्देश्य है कि इस पे कार्रवाई हो, फिर बाद में देखेंगे इसमें कौन कौन की और गलतियां हैं, उन पर भी निश्चित तौर पे। पीडीएस का सर गेहूं रखा है, अभी उसमें भी कार्रवाई हो रही है मिलावट के खिलाफ। जरूरत होगी तो इस जिले में भी होगी। अभी हम लोग पहले चीजों को देख लें कि कितना है और लोगों को पहले पकड़। सबसे जरूरी ये है कि इन सब चीजों को रोक दिया जाए। अभी तक कितने लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है सर मिलावटखोरों पर? अभी इसके पहले 3 लोगों ने पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, आगे भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मेरा आपके माध्यम से ऐसे सभी लोगों से, जिले भर के जो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं, सभी को चेतावनी है कि इस तरह का काम करना बंद कर दें, वरना उन पर और सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। हम जिले के किसी भी नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए कितनी ही सरकार। अभी सील कर दिया गया सर फैक्ट्री को? ये सील भी होगी और आगे की कार्रवाई जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें होगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।